partners, partners, partners. उड़ी भावरी, ये कितना गंडोगोल हो गया रे, इतना बड़ा गंडोगोल, ये तो बहुत हैरानी का बात है रे बाबरी बाबा। सर इसमें हैरानी क्या बात है? मतलब वो हरकतें तो पहले भी बच्चों वाली ही करता था, सिर्फ समझ में ये नहीं आ रहा कि उसका दिमाग 8 साल के बच्चे की तरह कैसे हो गया। नहीं, हम इस बात पर हैरान है कि डॉक्टर लोग उसको जैसे दिमाग कैसा मिला, जो चीज उसके पास नहीं है ये डॉक्टर लोग कैसे ढूंढ के निकाला रहे दिमाग, कमाल है। अब जितना है उतना ही तो मिलेगा ना सर, हम खुद देख के आ रहे हैं सर हॉस्पिटल जाकर कि मानव की क्या हालत हुई वहाँ पर। गुल्ले जी की हालत तो आप बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, पूछे क्यों? क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं, फिर भी बताओ। आपने सदमा फिल्म देखी है? हाँ देखा है ना, उसमें अरे क्या गाना था, गोले खा ले नहीं गले लगा ले। अरे हाँ वही वही वही, कितना अच्छा काम किया श्रीदेवी ने ना। अरे बाबा रे सिल्स मिता रे, क्या लगा उसके अंदर, बोली री 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 जंगल में वो जाता था कुत्ता को लेकर घुमाता था, रे बाबा रे बाबा, इधर थिएटर में पब्लिक का हालत खराब, शरीर में से दिल बाहर निकल जाता था रे बाबा। काश हम कुत्ता होता, सिल्स मिता हमको साला घुमाता था, कितना अच्छा लगता। अरे कुत्ता से याद आया, अरे हम तो मानव का बात कर रहा था, ये साला ये साधना पिक्चर किधर से आ गया? तो वही तो मैं कह रही थी मामू, उस फिल्म में आपको याद है श्रीदेवी की हालत कैसे बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई थी? हाँ। यहाँ मानव की हॉस्पिटल में हालत कुछ ऐसी ही है, यूँ समझिए कि गुल्ले जी के याददाश्त के रसगुल्ले 8 साल के सूखे छुआरे बन गए। डॉक्टर क्या बोलता है रे? सर डॉक्टर को तो ये कहना है कि मानव की कंडीशन ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने या कुछ साल भी। अरे एक तो बैंक रॉबरी का वजह से मीडिया वाले ने जीना हराम कर दिया हमारा, ऊपर से ये मानव का ये प्रॉब्लम है। अरे वो बैंक रॉबरी का केस का क्या हुआ, ये रॉबर्स लोग का कुछ पता चला? पता चल जाएगा सर, यहाँ से सीधा मैं बैंक ही जा रहा हूँ। सर बैंक के अंदर वाले सीसीटीवी फुटेज में से तो कुछ मिला नहीं सर, क्योंकि रॉबर्स ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन सर बैंक के बाहर जो कैमरा लगे हुए हैं उसमें जरूर पता चल जाएगा कि कौन रॉबर था, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा सर, और उस रॉबर का पता तो जरूर लगाना है सर जिसने मानव को बेहोश किया, उसे पर्सनली मिलना है सर मुझे, कुछ हिसाब चुकता करना है। क्या बात है? अरे तू मानव से बहुत प्यार करता है, तुम बिल्कुल अखरोट का माफिक है, ऊपर से सख्त है और अंदर से सॉफ्ट है मानव के लिए। मानव को तुम बहुत चाहता है री, वेरी गुड वेरी गुड। सर बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है, वो बेचारा तो फिर भी इंसान है सर, मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स तो है सर, आखिर वो मेरा पार्टनर है सर, मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर और कोई उसे तकलीफ देगा तो उसे तो तकलीफ पहुंचनी ही चाहिए। तुम किधर जाता है? आज सोमवार है ना, तो मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हेलो सर, जय हिंद सर। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है आपका, भेजा हुआ कुत्ता के साथ में, लेकिन आप फिकर मत करिए, हम लोग आईदार में कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा। अरे आपका कुत्ता हमारा कुत्ता एक ही बात है। बस बस कमिश्नर साहब बस, अरे इनाफ इज इनाफ, अब हमारा हॉस्पिटल मिस्टर मानव को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब संभालिए ना अपने होनहार ऑफिसर को, आप संभालिए संभालिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, क्या हो गया, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं सर, क्या कर दिया मानव ने? क्या कर दिया? हाँ जी पूछ रहे क्या कर दिया। अरे ये पूछे क्या 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 नहीं कर दिया, वो एक पेशेंट का ऑक्सीजन पाइप उखाड़ कर हरी टप्पा खेल रहा था, इंजेक्शन के अंदर ग्लूकोज भरकर पेशेंट के साथ होली खेल रहा था, उसने एक पेशेंट की फाइल फाड़ दी, अपने बॉस के तकिए और चादर तक छोड़ दिया उसने। हद तो तब हुई कि ऑपरेशन थिएटर में आके पेशेंट को गुदगुदी करके भाग गया, वो पेशेंट को हंसी छूट गई, उससे गलती से गलत नस कट गई, फ्री में सेक्स चेंज हो गया बेचारे का। व्हाट? यस, अब हम मिस्टर मानव को और नहीं रख सकते अपने हॉस्पिटल में सर, सॉरी। अरे क्या बात होता है, तुम नहीं रख सकते तो हम रखेगा इधर पे, वो हमारा कुत्ता है, हमारा बच्चा का समान है, हमारा बच्चे से बढ़कर है वो, तुम कैसा डॉक्टर है, एक पेशेंट के लिए तुम्हारे दिल में दर्द नहीं है? अरे पेशेंट है वो कुछ भी करेगा, डॉक्टर का फर्ज बनता है उसको संभालना,
सब इस कुत्ते को लात मारता है, लेकिन हम उसको गोद लेगा, हम उसको अपने घर में लेके जाएगा, उसको प्यार करेगा, अपने घर में रखेगा। डॉक्टर भगवान होता है और मैं आपके अंदर एक भगवान देख रहा हूँ। ये तो बच्चा है डॉक्टर साहब। बच्चा? हाँ, उसको बच्चा बोल रहे। वो बच्चा नहीं सर, 90 किलो का RDX है। RDX कब कहा पड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। प्रूफ दो आपको। आओ बताता हूँ प्रूफ। आइए मेरे साथ। चल मेरे घोड़े सड़ा, चल मेरे घोड़े सड़ा। घोड़ी की आवाज। ये देखिए, हेलो, कैसा है तुम? मैं एकदम ठीक हूँ अंकल। मैं आपको पहचान गया, मैं जानता हूँ आपको। अच्छा बताओ हम कौन है अंकल? आप हमारे स्कूल के बाहर जामुन बेचते हो ना, वो नमक लगा के एकदम खट्टे वाले। नहीं नहीं नहीं, हम जामुन नहीं बेचता है, हम तो अंकल याद आ गया मुझे, याद आ गया अंकल, आप जॉनी लीवर हो ना, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके करके सबको डराते हो। अरे नहीं बाबा, हम जॉनी लीवर नहीं है। नहीं क्या अंकल, फुद्दू बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है अंकल। अरे हम अंकल ये क्या है? लेकिन एक एहसान करो हमारे पास, हमारे पास एक तो एहसान, इसको एक दिन के लिए तुम्हारे पास रखो उधर हॉस्पिटल में, तब तक इसको गोद लेने की आप तैयारी करेंगे है ना? अर्थी और कफन का तैयारी करेगा, क्या बात करते तुम। अरे इसको कंट्रोल करने के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसको हैंडल करने के लिए एक दिन रखो। किधर? हॉस्पिटल में। ठीक है, लेकिन एक दिन के लिए, परसों यहाँ लाके छोड़ के जाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ एक दिन के लिए, ले जाओ इसे। आराम से, आराम से भाई, ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, आराम से। आदि सर, DIG को भेजो और ड्यूटी लगा दो। सर DIG खुद ड्यूटी करेंगे इसके लिए? हाँ ये वाला DIG करता है, ये तो 1.5 किलो का DIG है, ये करेगा। चलो ओ 1.5 किलो चल ड्यूटी पर। अरे चले इतना क्या पीट अकड़ गई तेरी घोड़ा बन के, जवान अफसर है। के क्या पूरा नाम बोलो। अरे के पूरा बोलो। अरे जिससे मिलना है उसका पूरा नाम बोलो, के से क्या पता चलेगा ना? बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? अरे ऐसे ही मतलब ऐसे ही। मैं ऐसे ही कौन हॉस्पिटल में आता है? तो कौन सी आफत आ गई मेरे यार? यार सिस्टर को यार बोलता है, लड़की छेड़ता है, सिक्योरिटी। अरे थम जा सुन तो ले। सिक्योरिटी सर, सर एक मिनट जरा इधर आइए प्लीज। काएगो देखिए ना, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। तो बहुत ही गलत बात है गई, आपको कौन छेड़ सके? ए क्यों नहीं छेड़ सकता? छेड़ सके क्यों रे भैया, ये कैसे जनानी ने छेड़ रहा है, है? का नाम, नाम का है तेरा? सब बात तो सुनो, नाम बता। सब सुनो तो सही एक बार। तारी के नाम बोल, नाम बोल। शंभू। एक मिनट शंभू। हाँ हाँ शंभू शुक्ला। हाँ हाँ शुक्ला भी। अरे यार क्या पागल आदमी हो, एक घंटा हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे खड़े हुए हो। अच्छा चंदू। हाँ अबे मिल गया ये शंभू। अच्छा अच्छा मिल गया क्या? हाँ यार यहाँ खड़ा है। अच्छा खोलो। क्या क्या खोलो? अरे शंभू शुक्ला ही हो ना? हाँ हाँ हो ना, तो खोलो मुंह खोलो। अरे मुंह खोलो। अरे मेरे यार ये भी कोई उम्र है पोलियो ड्रॉप पिलाने की।
ये तो उम्र है। मैया रे काफी बाधियो यार, हट्टो कट्टो आदमी गिर को खड़े खड़े हैं होता। नहीं मिल रही है से क्या मतलब होता है? फुटेज नहीं मिल रही इसका मतलब? सर हम खुद हैरान हैं, हमारे अंदर के फुटेजेस हमारे पास हैं, लेकिन बैंक के बाहर के आसपास के कैमरे के फुटेजेस हमारे पास नहीं हैं। हमारे सारे कैमरा प्रॉपर हैं सर, किसी ने ना जानबूझकर फुटेजेस डिलीट किए हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कौन कर सकता है? शायद ना वो औरत का काम है सर, जो कुछ देर पहले यहाँ आई थी। औरत? कौन औरत? सर ड्यूटी गार्ड ने बताया कुछ देर पहले यहाँ एक लेडी आई थी, वो अपने आप को बैंक का कस्टमर कह रही थी। उसके पास अपनी उसकी एक पालतू बिल्ली थी जो अपने साथ लाई थी, वो यही कहीं खो गई। उसको ढूंढने के लिए उसने मॉनिटर देखने की रिक्वेस्ट की, काफी देर तक तो वो रुकी थी। उसी बीच में बैंक का गार्ड बाहर राउंड मारने चला गया, उसी दौरान शायद सर उसने उस औरत की अंदर बाहर जाने की कोई फुटेज। सर आपको क्या लगता है? वो फुटेज भी डिलीट हो गई है। जी सर। औरत भैंस की पूंछ। ओ रहने दे, रन्ना खुले तेरे से यू। बाहुबली की छट्टी औलाद, मैं बताऊं तन्ने, देख थारा और मारा नंबर भी लगाएंगे ना तब भी यू मशीन ना खुलेगी। उसके लिए भी हमने बॉस के नंबर की जरूरत पड़ेगी। जब हम तीनों के एक साथ नंबर इस मशीन में डाल लेंगे तब जाकर यू मशीन खुलेगी। पता नहीं कहां मारा पड़ा है ससुरा, तो कमीना भी ना, सामने लाखों रुपए पड़े से पर खिस्से में एक डेल्ला तक ना है। जब भी कोई बात हुई फोन लगा क्या, फोन लगा क्या? मिल जा रही है मगर कोई उठा नहीं रहा है। तो फोन दे, फोन दे, फोन दे मारे को। हेलो हेलो हेलो, अरे फोन उठा, फोन उठा। हेलो, उठा उठा फोन उठा उठा। हेलो मैडम जी, जरा भाई साहब से बात करनी थी, जरा उनसे बात करा देंगी प्लीज, अर्जेंट है। जी आपके भाई साहब तो सो रहे, जागेंगे तो बोल दूंगी, आपको फोन कर ले। हेलो हेलो, जरा सुनिए तो। हेलो हेलो, फोन कट गया इसके बैस, पकड़ अपना फोन तू। देखा देखा, अरे हम साले हम भूख से मर रहे हैं और वो ससुरा बॉस लौंडिया की गोद में सिर रख के जन्नत की मजे लूट रहा है। देखिए मैं कह रहा हूँ गरीब बंदू आए कीड़े पड़ेंगे, देख लियो। एक बात तो कान खोल के सुन ले राम, अभी इस बॉस से कुछ ना होने का, अब जो कुछ करना है ना हमें ही करना है। अब हमें ही हाथ पांव मारना पड़ेगा भाई, तभी ये गंगा पार लगेगी। खुद के मरने बिना स्वर्ग ना मिलता, समझा तू? अब आगे के करना है मन्ने अच्छी तरह से पता है। जेब बात बहुत सही जगह आ गया भाई, वर में यहीं गिच्ची दबोच के निपटा डाल ससुरे को। पर ये मन पहचान क्यों ना रहा, शकल तो बहुत अच्छे से देखी थी इसने मेरी। हेलो अंकल। अंकल ये क्यों गए इसके, अंकल क्यों कह रहा मन है? खोपड़ी लागी लागे दिखे कुछ टाइम के लिए इसकी, चल बढ़िया है, काम और आसान हो गया अपना। कैसा लग रहा है अभी अंकल? कैसा लगेगा भाई, जैसा पहले लग रहा था वैसा ही लग रहा है। तो पता नहीं लेटा क्यों रखा है यहाँ। अंकल आपको ऑपरेशन हुआ ना, सब करके किडनी निकाली ना आपकी डॉक्टर ने। क्या निकाल दी? अंकल किडनी, किडनी वो नहीं हो राजमा जैसी नहीं होती बड़ी वाली। किसकी? आपकी। मारी किडनी? हाँ आपकी किडनी निकाल ली। हाँ निकाल ली पूरा खींच के खटाक। क्यों मुझे क्या पता अंकल, मैं तो बच्चा हूँ ना, वो तो डॉक्टर अंकल ने निकाली वही बताएंगे। ओ प्लीज अंकल, डॉक्टर अंकल आ भी गए। हेलो डॉक्टर अंकल। हेलो। किडनी निकाल ली मेरी? जी। आप ही ने तो डोनेट की थी किडनी। मन्ना आपने? क्या बात कर रहे शंभू जी। शंभू
कौन शंभू? किस शंभू का चक्कर में किडनी निकाल ली मेरी? आप शंभू नहीं है? मैं कौन शंभू? किसका शंभू? वर्मा हूँ मैं। कौन हो? शंभू फिर फड़फड़ा काय रहे हो? तो किडनी दान करिए तो किडनी निकालेंगे ना, फेफड़ा थोड़ी निचोड़ लेंगे तुम्हारे। बोलिए सब कुछ खोल कर किडनी निकाल लिया, मुंह क्यों खोलिए? अरे अरे मुंह खोलिए। अरे भाई बात तो सुन, क्या बात होगी? मैं ऐसे थोड़ा हूँ। अरे चंदू पकड़ इसको। अरे क्या चंदू पकड़ यार, बात तो सुन। ओके पिंक अंकल, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अरे 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 तू भी आ रहा गया अंकल, ये तो गया डॉक्टर अंकल। अब आप भी जाइए। हाँ, और कांस्टेबल डीआईजी साहब, मैंने अपनी हाथों से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है और एम्बुलेंस को भी कहा है कि इनको पुलिस स्टेशन तक छोड़ के आना। और मानो बेटा अब जाओ। हाँ चलो ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं जाता हूँ, लेकिन इस बार ना मैं अपने घर गधे पे बैठ के जाऊंगा। अब यहाँ गधा खाते आएगा सर? अरे आएगा क्या, आया हुआ है। इतनी दूर से यहाँ पे ही करने के लिए गधा बना करके पटक जाओ। बन जाओ अंकल, बन जाओ गधा, बन गधा। अरे भाई गोपाल और राम, मैंने यूं बताया कि हम के करण लाग रहे हैं यहाँ। यू पुलिस बैंक डकैतों को कुत्ते की तरह ढूंढ रही है और बैंक डकैत तो खुद इनके दौरे आके बैठ लिए। भाई मैंने यूं बता दे कि माजरा माजरा के है। देख राम, पता किया है मन्ने, ये पुलिस वाले का नाम मानव है और यो अस्पताल की गाड़ी के कहते हैं उसको, और एम्बुलेंस आज उसको पुलिस स्टेशन के अंदर छोड़ कर गई है। सही मौका मिलते ही हम उस पुलिस वाले मानव का करेंगे किडनैप। मेरी की, पर हम क्यों करेंगे किडनैप? राम गोपाल को थोड़ी ना देखा है उसने, उसने देखा है वर्मा ने। अरे निरे बुद्धि बावड़े पूछ, अब के करूं मैं सारा? अब तो छोड़ हमारी बात ध्यान से। अरे हमारा बॉस वर्मा जब तक उस पुलिस वाले को मारने लगता ना, तब तक हमें हमारा हिसाब नहीं मिलेगा, समझा ना? बस तब उस पुलिस वाले का किडनैप कर लेंगे, और जब वो पुलिस वाला हमारे पास होगा तो हमारा बॉस वर्मा जहाँ कहीं भी होगा खुद ब खुद दौड़ा चलाएगा हमारे पास। जैसे बॉस हमारे पास आएगा हम वो पुलिस वाले मानव को बॉस के किडनैप का हवाले कर देंगे, और उसके बाद उसे तिजोरी खुलवाएंगे, अपना अपना हिस्सा लेंगे, उसके बाद जयराम जी की। बिल्कुल सही बात, यू काट दिया मैंने लठ। और बना सुहाना है, बेहोश करना है, समझा? पकड़ ले इसको। अंकल ये देखो अभी कितना दूर जाएगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.